रात के मैं थक गई। उफ, हजी 15 मिनट बाकी है। 15 मिनट बाद शीतल बहन अच्छा सा टेबल सजा देगी, फिर मैं वहाँ जाऊंगी खाना खाने। महाराज जी राज विक्रमादित्य बता रहे हैं। अरे अरे आइए आइए महाराज, आप पहली बार मेरे घर आए, धन्य हो धन्य हो। सादा धन्य होने की जरूरत नहीं, महाराज आपके राज्य पर चढ़ाई करने आए हैं। चढ़ाई? चढ़ना कहाँ पे है, मेरे घर में तो सीढ़ी पर नहीं है। तुम्हें शीतल बहन से सीढ़ी मंगवा के लाऊं? मूर्ख, यहाँ हम आक्रमण करने आए हैं। बोलो कहाँ है तुम्हारा राजा? राजा? ओ सॉरी महाराज, आज ने राजा परेश सिंह जी आउट ऑफ स्टेशन है, बाद में आना ने आक्रमण करने। भाग गया हमसे डर कर, यहाँ का राजा भाग गया। आज्ञा दीजिए महाराज। आक्रमण। महाराज विक्रमादित्य की जय हो। महाराज विक्रमादित्य की जय हो। पापा, पापा करिश्मा घर में नहीं है। पता नहीं कहाँ गए होंगे ये लोग। ये महाराज विक्रमादित्य अब कौन सा झंडा गाड़ने वाले हैं? पापा आपने कुछ सोचा? हाँ सोच भी लिया और प्रोग्राम भी तैयार कर लिया है, लेकिन ये करिश्मा मुझे कुछ देर के लिए अकेले तो मिले। सावधान, राजाओं के राजा, वीरों के वीर, प्रजापति महाराज धीराज विक्रमादित्य युद्ध में विजय लेकर पधार रहे हैं। तुम्हें ये जानकर बड़ी खुशी होगी, पड़ोस के राज को हमने धूल में मिला दिया है और हमारे डर की वजह से वहां के राजा ने अपने आप को तड़ी पार कर दिया है। और तो और वहां से हम युद्ध बंदी लेकर आए हैं। तुम्हारी क्या हालत? वो शीतल तो महके गई है। युद्ध से हम बहुत थक चुके हैं। भोजन का प्रबंध करो और संभालो अपने बंदी को, इसे बंदी खाने में डाल दो, हम जा रहे हैं। श्रद्धा देखो तुम फिक्र मत करो, 3-4 महीने की बात है, छुड़ा लूंगा। 3-4 महीना मतलब मौका मिलता ही छुड़ा लूंगा। अच्छा। तुम अभी आओ। पर मौका कब मिलेगा विक्रम भाई? विक्रम भाई मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी श्रद्धा, क्या पता था हम लोगों को ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। लेकिन तू फिक्र मत करो, मौका देख के मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा लूंगा, तब तक। अरे राहुल तुम बात करो ना अपने उस मेंटल चाचा से। चाचा? आंटी वो चाचा नहीं है, वो तो महाराज आदि राज विक्रमादित्य है। और वैसे भी आंटी मैं कैसे बात कर सकता हूँ, मैं तो महल का सेवक हूँ ना। आंटी ये दांत देखिए, अभी तक गया नहीं, जोर से घसी है, जोर से। हाँ। जोर से। ए! आंटी आराम से पटकी है, नहीं तो महाराज आदि राज विक्रमादित्य जाग जाएंगे। सॉरी ठीक, अरे सब छोड़ के चले गए। पहले कि वो महाराजा विक्रमादित्य उठ जाए, तुम जाओ यहाँ से। हाँ हाँ। जाओ जाओ। अरे चलो चलो। चलो चलो। चलो चलो। चलो चलो। धीरे धीरे। भागो। भागो भागो। करिश्मा करिश्मा करिश्मा। चलो एक मौका तो मिला तुम्हें टीकू चाचा से दूर करने का, अब इससे पहले कि उस महाराज की नींद टूट जाए मुझे अपना काम करना पड़ेगा। चलो लैब में। जो आ गया महाराज। अब मजा आएगा टीकू महाराज का। राजाओं
सेनापति महाराज धीराज विक्रमादित्य पधार रहे हैं। आइए महाराज। राज जी। महाराज ये क्या, हमारे आने से पहले तुमने खाना खत्म कर लिया? और ये क्या है, हमारे लिए सिर्फ इतना खाना बचा है? बचा नहीं है महाराज, आज सिर्फ यही खाना है हम सबके लिए। और अपमान। युवराज पहले तो मुझे संदेह था, अब वो यकीन में बदल गया है। तुम बगावत पर उतर आए हो महामंत्री, बंदी कर लो इसे। ये नामुमकिन है महामंत्री। ठीक है, तुमसे तो बाद में निपट लूंगा, फिलहाल हमारे रात्रि भोजन का प्रबंध करो। ये नामुमकिन है महामंत्री, इससे बड़ा अपमान हमारा कभी नहीं हुआ था। ये नामुमकिन है महामंत्री, तुम हमें शब्दों की जाल में फंसा रहे हो। तो ठीक है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, हमारी तलवार से तुम्हारी गर्दन एक झटके से निकल जाएगी। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ महामंत्री। Come on करिश्मा। Yes करिश्मा, you can do it. अच्छा, तो ये बात है, महाराज आदिराज विक्रमादित्य विद्रोह की हर आवाज को बंद कर देगा। सावधान, तैयार हो जाओ, ये विक्रमादित्य की तलवार है। मेरा और एक अपमान, मेरा मुकुट गिरा दिया। महामंत्री मुझे छोड़ दो महामंत्री। बेटे छोड़ दे मुझे। देखो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, 25 रुपए दूंगा कैश। ठीक हो गए क्या चाचा जी? ठीक हो गए चाचा जी। क्यों रहा है, क्या हुआ था मुझे? चाचा जी आपको याद नहीं क्या, कई साल पहले आपने पुराने अखबार बेचकर 12.5 रुपए इकट्ठे किए थे, और वो 12.5 रुपए लेकर आप लॉकर में जमा करने जा रहे थे। और याद आ रहा है, और लॉकर का दरवाजा यहाँ लगा। हाँ, सिर पे चोट लगने की वजह से आप अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल खो बैठे। वेरी गुड, पागल हो गए थे आप। अच्छा, लेकिन अभी आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ये क्या है? ये लीजिए, ये मेंटल असाइलम का बिल। आज तो भर दो। मैं? बिल तो आपके नाम है, लाए तो तुम हो। अच्छा ये ड्रामा कंपनी का बिल है, ये जो अपने कपड़े पहने हैं ना उसका। अरे भर दो, ड्रामा तो तुम लोग कर रहे थे। चाचा जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं नहीं दूंगा, 15% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। 15%? तो क्या बाहर 24% चल रहा है? चाचा जी दिस इज नॉट फेयर, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। इससे कम मैं नहीं लूंगा, पागल समझाए क्या मुझे? इससे तो अच्छा पागल ही। दोबारा पागल नहीं बनूंगा। बेटे ये नामुमकिन है। वजीरे आजम फौज को कह दो कि बादशाह सिकंदर हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जो आज्ञा महाराज। करिश्मा ये नामुमकिन है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए
Subscribe to Star Plus YouTube page and hit the bell icon.